ये दुनिया कई तरह के रहस्यों से भरी है। हर रोज नए नए रहस्य सुलझाए जाते हैं, लेकिन आज भी कई सारे रहस्य अनसुलझे हैं। इंसान चाहे जितनी जानकारी जुटा ले, कमी होती है। दुनिया भर के वैज्ञानिक भी तरह तरह के शोध करते हैं जो हमारे ज्ञान को बढ़ाने में मदद करते हैं, मगर अभी भी दुनिया में ऐसी बहुत सी जगह है जिनके बारे में ज्यादा लोगों को पता नहीं है। ऐसी जानकारियां हैं जिन्हें बहुत कम ही लोग जानते हैं। हर कोई यही चाहता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी में सभी बातों को जान सके, लेकिन ऐसा संभव नहीं होता है। दुनिया में पहली मोटर रेस कब हुई थी? धरती का सबसे बड़ा जानवर कौन है? सबसे ज्यादा लोकप्रिय कार्टून कौन है? ऐसे ही प्रश्न के उत्तर कम लोगों को ही पता होता है, इसलिए आज हम इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे ही सवालों के जवाब देंगे। बने रहिए हमारे वीडियो में। मैं हूं प्रशांत कुमार और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रशांत कुमार वाईटी यूट्यूब चैनल में। फैक्ट नंबर वन, आजकल रेसिंग करना रोमांचकारी खेलों में से एक है। वैसे तो रेस साइकिल, कार, घोड़े, मोटरबाइक और भी कई तरह की होती है, मगर कम ही लोग पहली मोटर रेस और इसकी विजेता के बारे में जानते हैं। दुनिया की पहली मोटर रेस में 11 जून 1895 में हुई थी। हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें जो पहले नंबर पे आए प्रतिभागी थे उन्हें विजेता नहीं माना गया था, बल्कि तीसरे नंबर पे आए प्रतिभागी को विजेता घोषित किया गया था। इस रेस में तीसरे नंबर पे आने वाली व्यक्ति का नाम पॉल कोचलिन था। जब से दुनिया में टीवी का आविष्कार हुआ और तरह तरह के कार्यक्रम दिखाए जाने लगे, बच्चों के लिए कार्टून के भी कार्यक्रम दिखाए जाने लगे। हम सब ने अपने बचपन में कार्टून तो देखा ही होगा। हम सबका कोई ना कोई कार्टून कैरेक्टर पसंदीदा जरूर होगा, मगर दुनिया का सबसे लोकप्रिय कार्टून कैरेक्टर डोनाल्ड डक था। शुरू में 50 साल तक कैलारेस नैस ने इस किरदार के लिए अपनी आवाज दी थी। इसके बाद टोनी एंसेलेमो को यह जिम्मेदारी दी गई। टोनी अब तक इस लोकप्रिय कार्टून कैरेक्टर को अपनी आवाज दे रहे हैं। फैक्ट नंबर थ्री, ब्रिटेन के इंजीनियर सर क्रिस्टोफर कोकेरेल ने एक ऐसा वाहन बनाया था जो जमीन पर और पानी दोनों पर चलता था। इसकी सबसे बड़ी खास बात यह थी कि यह कीचड़ और बर्फीले सतह पर भी आसानी से चल सकता था। इस वाहन का नाम होवरक्राफ्ट है। इस साधन का प्रयोग ज्यादातर दुनिया भर में आपदा राहत, तटरक्षक सेना के निरीक्षण और सर्वेक्षण में होता है। फैक्ट नंबर फोर, समुद्र में वैसे तो कई सारे जलीय जीव, पेड़ पौधे मिलते रहते हैं। समुद्री जीवन कई रहस्यों से भरा रहता है, मगर समुद्र का सबसे बड़ा जीव व्हेल मछली है। यह जीवन समुद्र का नहीं धरती का भी सबसे बड़ा जीव है, मगर इसके बारे में एक ऐसा रोचक फैक्ट है जो कम ही लोगों को पता है। इस मछली का वजन 1400 किलो होता है। इसके दिल का वजन करीब 180 केजी होता है। इस वीडियो में आप हमेशा की तरह कुछ नया जाने हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जय हिंद।